जौनपुर नकली नमक कंपनी के कारखाने का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के उसराहा भादी गांव में टाटा का नकली नमक बनाया जा रहा था। ब्रांडेड नमक की पैकिंग में नकली नमक पैक किया जा रहा था। कंपनी के मैनेजर की शिकायत पर छापेमारी की गई। 50,000 से ज्यादा नकली टाटा नमक की बोरी बरामद की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से अगली खबर। एक बार फिर से यहां पर लिफ्ट फंस गई है और रात में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ग्रीन ऑक सोसाइटी की लिफ्ट फंस गई। करीब एक घंटे तक लिफ्ट में बच्चा फंसा रहा। नोएडा में लिफ्ट अटकने के मामले लगातार आ रहे हैं। बिल्डिंग और सोसाइटी कमेटी की लापरवाही के चलते लिफ्ट अटकने की खबरें बढ़ गई हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और एक बार फिर से लिफ्ट फंसने का ये मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी से। गाजियाबाद पुलिस ने हिंदू वीर सेना के अध्यक्ष सत्यम पंडित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हेट स्पीच की धारा में केस दर्ज किया था। सत्यम पंडित ने देश में रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को धमकी दी थी। धमकी देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। कोर्ट ने सत्यम पंडित को 14 दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया है। सत्यम पंडित को गिरफ्तारी के बाद एक निजी गाड़ी से कोर्ट ले जाया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस हिरासत में भी रील रिकॉर्ड की गई। कोतवाली से लेकर कोर्ट तक रील बनाई गई। नोएडा में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। यहां पर कार पोल से टकरा गई और बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ है। थाना सेक्टर 126 क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। ये लोग बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एक्सप्रेसवे में एमटी यूनिवर्सिटी के सामने एक एक्सीडेंट हो गया है। इसे मौके पर देखा गया कि एक गाड़ी टाटा टियागो है जो एडवर्टाइजिंग के पोल से आकर के टकरा गई है और इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जहां पर राहुल गांधी केस में सुनवाई आज। मानहानि मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 26 जुलाई को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए थे राहुल। गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का ये केस है जिसे लेकर सुनवाई की जाए। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। आपको बता दें, रामपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके बीच अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। रामपुर कोर्ट के फैसले को आजम खान और अब्दुल्ला ने चुनौती देते हुए जमानत याचिका खारिज की है। जालौन में महिलाओं ने पुलिस चौकी के अंदर घुसकर सिपाही का कॉलर पकड़कर खींच दिया। सिपाही से बदसलूकी के बाद महिलाएं चोरी के आरोपी को पुलिस कस्टडी से जबरन छुड़ा कर ली गई। ये महिलाएं कोतवाली क्षेत्र के डिप्टी गंज चौकी क्षेत्र की बताई जा रही हैं। चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए पुलिस एक शख्स को चौकी लाई थी। महिलाओं ने सिपाही के साथ गाली गलौज करने के बाद सिपाही का कॉलर तक पकड़ लिया। अलीगढ़ में प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डालने से एक शख्स की मौत हो गई। साथी मजदूर पर प्राइवेट पार्ट में एयर प्रेशर डालने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि वो पचपेड़ा की निजी कंपनी में मजदूरी करता था। प्रेशर के चलते व्यक्ति का शरीर फूलने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ और थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। दोनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम हुआ। परिजनों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। थाना गभाना के पचपेड़ा की निजी कंपनी की यह घटना बताई गई।
जौनपुर में पति से झगड़ा होने पर पत्नी ने अपने 1.5 साल के बेटे को चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी मां ने खुद उसी चाकू से अपना गला काट लिया। आरोपी मां को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला नेवरिया थाना क्षेत्र के जेठपुरा गांव का बताया गया। रायबरेली के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला भुवालपुर सिसनी गांव का है। नागपंचमी के दिन गांव के रहने वाले एक लड़के से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर जब झगड़ा बढ़ गया, आरोपी नवीन सिंह फायरिंग के बाद साथियों के साथ फरार हैं। वहीं घटना की सूचना पर भीम आर्मी से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे हैं। मारने वाला प्रधान है जो पंकज सिंह जी ने गोली मारी थी, गोली मारी गई थी। अपने ही बिरादरी के लोग हैं जिनको गोली मारी गई, और हम जब बार बार प्रशासन से कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी एक दिन। गाजियाबाद में एनकाउंटर में पुलिस ने लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया और बदमाश की निशानदेही पर एक मोबाइल, 2 चेन, स्कूटी और 15,000 कैश मिला है। बदमाश पर गाजियाबाद में 16, नोएडा में 4 और सहारनपुर में 1 मामला दर्ज है। उसको चेस के बाद पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम पुनीत सहरावत बताया, जो कि वर्तमान में हर्ष विहार दिल्ली में निवास कर रहा है, और इसका मूल पता जेवर नोएडा का है, और इसके ऊपर कुल लगभग 24 से 25 मुकदमे लूट के और अन्य धाराओं के हमें मिले। उसके बाद इसने बताया कि लूट कारित करते समय यह अपने पास एक तमंचा भी रखता था, जिसकी बरामदगी के लिए इसको हिंडन बैराज, जहां पे इसने निशानदेही बताई कि यहां पे यह तमंचे को फेंका था पुलिस के डर से, जब इससे वहां पे असलहे को बरामद करने के लिए पुलिस टीम लेके आई तो इसने असलहा निकाल कर पुलिस टीम के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको हॉस्पिटल रवाना किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए और बदमाश के पास से 2 तमंचा कारतूस मिला है। डेटिंग ऐप के जरिए दोनों बदमाश लूट किया करते थे। बीते दिनों बदमाशों ने पनकी थाना इलाके में लड़के को बंधक बनाकर लूट की थी। बताया जा रहा है कि गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट लगाने की तैयारी है। उन्होंने कार्य क्षेत्र अपना यहाँ बना रखा था, यहीं इस्पात नगर में कमरा ले रखा था। आज ग्रैंड चेकिंग के दौरान ये वहाँ से चेकिंग में रुके नहीं, भागे, पीछा किया गया, जिसमें यहाँ पे मुठभेड़ हुई है। शातिर अपराधी हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत अब कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा चलाए जा रहे अपराधियों के विरुद्ध अभियान में ये काफ़ी अच्छा कदम है, और इसी तरह से हम बदमाशों के पीछे पड़े रहेंगे। आज पूरे गैंग में 6 लोग हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।